जिस किसी ने भी ये ड्राइंग भेजी है उसे पहले से पता था कि मेरे साथ ये हादसा होने वाला है। बाल है ना, बड़ी अजीब बात, जैसे तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल वैसा ही स्केच, बिल्कुल वैसा ही। हाँ सर, मैं भी हैरान हूं कि जो इस ड्राइंग में है बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ कैसे हो गया। ये लिफाफा तुम्हें दिया किसने? वो आज सुबह अखबार के साथ पड़ा हुआ था। सर, अखबार में डेली हॉरोस्कोप आता है ये तो हमें पता है, ये ड्राइंग का नया तरीका है हॉरोस्कोप बताने का? नहीं पंकज, नहीं, ये कोई अखबार वाला नहीं है, ये उस आदमी का काम है जिसने दया पर हमला किया था, उस आदमी का, या फिर कोई ऐसा आदमी जो दया का शुभ चिंतक है और दया को सावधान करना चाहता है, मगर कौन? लेकिन सर, उस शुभ चिंतक को पता कैसे चला इस हमले के बारे में? और अगर पता भी चल गया था तो दया को आके क्यों नहीं बोला, ये ड्राइंग क्यों भेजी? एग्जैक्टली वही तो, मगर कौन हो सकता है? बस पता चल जाएगा, इस बाल से और इस लिफाफे पर जो उंगलियों के निशान है उससे पता चल जाएगा कि आखिर ये है कौन, किसने किया है। बस थोड़ा सा वक्त हो, जल्दी कर सालों के, जल्दी कर। हाँ। सर, सर मुझे तो लगता है ये सारा काम पंकज का है। हाँ? अरे सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम डीसीपी सर के आदमी हो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। नहीं शेयर, माना कि पंकज डीसीपी चित्रोले का आदमी है, पर ये कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंकज दिल का बहुत अच्छा है सर। अच्छा दया, जब ये हादसा हुआ तो तुम्हारे आसपास जितनी गाड़ियां थी उनमें से किसी का नंबर याद है? हाँ, उस क्रेन का नंबर याद है मुझे। क्रेन का नंबर याद है तुम्हें? हाँ सर। तो फिर बस उठाओ इस क्रेन वाले को। चलो बताओ, FDP 9514, ये क्रेन तुम्हारी है ना? तुम्हारी है ना? हाँ सर, ये क्रेन तो मेरी ही है। तो फिर बताओ क्यों किया तुमने एक CID ऑफिसर पर हमला, क्यों किया? CID पे हमला? आज CID ऑफिसर पे हमला, आज सुबह 9 बजे ज्वाला रोड पर तुम्हारे इस क्रेन से तुमने CID इंस्पेक्टर दया पर हमला किया, किया ना? लेकिन सर, मेरी क्रेन तो आज सुबह ही चोरी हो गई। चुप! क्रेन चोरी हो गई कहता है? तुम्हारी क्रेन क्या बच्चों की साइकिल है जो चोरी हो गई? कब चोरी हो गई, कैसे चोरी हो गई? मेरा नया ड्राइवर आज सुबह सुबह ही क्रेन को लेके 9-11 हो गया, मेरा लाखों का नुकसान हो गया सर। झूठ बोल रहे हो तुम, ये क्रेन तुमने भेजी थी किसी के कहने पर दया सर पर हमला करने के लिए। देखो सच सच बता दो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब, आज कोई बुकिंग भी नहीं थी, फिर मैं क्यों भेजूंगा? कौन है तुम्हारा ड्राइवर, नाम क्या है उसका? भूषण, भूषण नाम है उसका, 2 हफ्ते पहले ही उसे काम पे रखा था। भूषण? चोरों को काम पे रखता है ये? सर अगर मुझे मालूम होता कि ये ऐसा सब कुछ करेगा तो मैं उसे कंपनी में कदम नहीं रखने देता सर। अच्छा, तो फिर काम पर रखने से पहले उसके डिटेल चेक किए थे, इन्फॉर्मेशन ली थी उसके? हाँ सर। दिखाओ उसके डिटेल्स। हाँ सर, अभी देता हूँ सर। ये रही सर। लगता है तुम्हारे भी डिटेल देने पड़ेंगे। तो ये है भूषण। सर ये देखिए, भूषण भूषण नहीं, रवि है, वही पुराना मुजरिम। वही पुराना मुजरिम रवि? ये रवि जहरीली शराब और ड्रग्स बेचने जैसे सारे काले धंधे किए इसने। 2009 में पुलिस ने इसे पकड़ा भी था मगर जेल से भाग गया है। अब तक शक्ल देखी नहीं उसकी शहर में, और अब 4 साल के बाद वापस आया है दया को मारने के लिए। ये पेंटिंग भी उसी ने बनाई होगी सर, खुलेआम चुनौती दे रहा है। नहीं बस, ना तो ये पेंटिंग रवि ने बनाई है ना रवि चुनौती दे रहा है। दया, तुम्हें जो तस्वीर बना के भेजी है वो रवि ने नहीं भेजी। तो फिर किसने बनाई? बॉस, मैंने बाल का DNA टेस्ट किया है, फिंगरप्रिंट्स भी चेक किए हैं,
तुम्हें जो तस्वीर बना के भेजी है वो किसी बच्ची ने बनाई है। क्या बच्ची ने? कोई ऐसी लड़की जिसकी उम्र 10 साल से भी कम है। इतनी छोटी बच्ची? ऐसी छोटी बच्ची का इतने खतरनाक मुजरिम से क्या रिश्ता हो सकता है? और उसे पता कैसे चला कि दया के ऊपर हमला होने वाला है? वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटी बच्ची रवि के आसपास रह रही हो और किसी भी तरह से उसे पता चल गया होगा रवि के प्लान का दया पर हमला करने के लिए। बस तो फिर दया को मदद करने के लिए, उसे सावधान करने के लिए इस बच्ची ने वो स्केच बनाया होगा और अखबार के साथ दया के घर में भेज दिया। फिर तो उस बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है अभिजीत। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी वजह से किसी मासूम बच्ची को आज नहीं आना चाहिए। सर मगर हम उस बच्ची को ढूंढेंगे कैसे? हाँ सर, क्योंकि उस लिफाफे पे नाम पता फोन नंबर कुछ भी नहीं था। बस वो कागज जिस पर उस बच्ची ने ड्राइंग बना करके भेजी थी वो हैंडमेड पेपर है, हाथ से बनाया हुआ। और मुझे अभी भी उस कागज पर 20% मॉइस्चर नमी मिली है। मतलब सर वो पेपर हाल फिलहाल में बनाया गया है? पता लगाओ शहर में किन किन जगहों पर इस तरह का पेपर बनता है, ये हैंडमेड पेपर। और ये पेपर जरूर किसी स्टेशनरी की दुकान या स्कूल में से ही आया है, किसी स्टेशनरी या स्कूल में से। सर ये रवि गिरफ्तार होने से पहले इसी चाल में रहता था, मुझे नहीं लगता वो वापस यहाँ रहने आएगा। सही कह रहे अभिनीत, रवि हमें यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें कोई ऐसा आदमी जरूर मिलेगा जो रवि के अतीत के साथ जुड़ा हुआ हो, जो हमें उसके नए ठिकाने तक पहुंचा सके। कुछ तो भाई साहब, मैं रवि है साहब। रवि कहाँ मिलेगा? ये तो सब पिंकू बता सकता है। पिंकू? कौन पिंकू? वो सो रहा है ना टेबल पे। वो? हाँ जी। थैंक यू। कौन है ये भी बता देंगे, पहले ये तो बता तेरे दिल में क्या है। क्या मतलब? चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में क्या है ये मत बताओ, लेकिन हमारे दिल में कुछ सवाल है, तो उनके जवाब दे दो। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? ये कहाँ है? पता नहीं था, 4 साल हो गया शहर का छोड़ के चला गया। 4 साल बाद शहर में वापस आया, सीआईडी से टक्कर। रवि सीआईडी से टक्कर? देख सच सच बता दे, एक सीआईडी ऑफिसर पर हमला किया उसने। बिल्कुल सच बोल रहा साहब, मुझे कुछ नहीं पता। इस चौर में वापस नहीं आया? बिल्कुल नहीं साहब। तो उससे मिलने कहाँ गया था? मैं कहीं नहीं मिला साहब, अगर वो कहीं दिखेगा तो आप लोग को जरूर बता दूंगा। अच्छा तेरा तो खास दोस्त है ना वो, तू क्यों उसे गिरफ्तार करवाया? साहब मेरे नजर में कानून की अहमियत ज्यादा है दोस्ती से। डायलॉग भी मारता। उसके परिवार वाले कहाँ रहते? चिंचपोकली में। चिंचपोकली? दरवाजों का एक ही इलाज है। रवि, रवि, लगता है घर में कोई नहीं। ये बच्चे बाहर गए होंगे भाजी खरीदने। एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
होगा सर। पता नहीं किसकी लाश को छुपा के रखा है घर में, इसको बाहर निकालते हैं। सर एक काम जरूर किसी आदमी का ही होगा, इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत है। आदमी मतलब रवि, क्योंकि घर में तो सिर्फ एक बीवी और छोटा सा बच्चा है। सर कहीं पूरा परिवार इसका खून करके फरार तो नहीं हुए? इसे मार के सबके सब भाग गए यहाँ से। हो सकता है, जेबी भी खाली है, ना कोई वॉलेट ना कोई आईडी। सर इसके कपड़े देखकर तो लग रहा है कोई गरीब आदमी। कौन है आप लोग, अंदर क्या कर रहे हैं? लाश! हम लोग सीआईडी से। आप रवि की पत्नी? नहीं, मेरा नाम विमला है, मैं यही पड़ोस में रहती हूँ। वो दरवाजा खुला था तो देखने चली आई। देखने आई है तो देखिए, बताइए आप इसे जानती हैं? नहीं, पता नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। सुनीत सर और तलाशी लो, देखो शायद कुछ और मिले। यस सर। आपको पता है रवि और उसकी पत्नी इस वक्त कहाँ गए? नहीं, रवि तो यहाँ नहीं रहता है ना, वो दूसरे शहर में काम करता है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने उसे यहाँ देखा है? नहीं, रवि को भी नहीं देखा और पिछले दो दिन से उसकी बीवी और बच्चे को भी नहीं देखा। सर ये देखिए सर, इतनी सारी दवाइयां और इंजेक्शन, ये हो क्या रहा है इस घर में? देखिए, आपको पता है इस बारे में? नहीं सर, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर शहर में सिर्फ 3 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये हैंडमेड पेपर भिजवाया जाता है, और ये स्कूल आपके घर के सबसे करीब। सर मुझे तो लगता है हमें अपना अगला सुराग यहीं से मिलेगा। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। अरे अंजलि बेटा तुम? सर आप जानते हैं इसे? ये मेरे घर के पास में रहती है, बोल नहीं सकती पर बहुत प्यारी बच्ची है। सर ये कुछ कहना चाह रही है क्या? सर वो बोल रही थी कि कुछ आपको जिंदा देख के वो बहुत खुश हो रही है। सर यानी ये पेंटिंग अंजलि ने बनाई है? कैसी ड्राइंग? हम लोग सीआईडी से हैं, हम इस ड्राइंग की बात कर रहे हैं। अंजलि बेटा ये ड्राइंग आपने बनाई थी? बेटा आपको कैसे पता चला कि मेरी जान को खतरा है? सर अब मेरी समझ में आया कि आपको वो ड्राइंग कैसे मिली। अंजलि आपके घर के पास रहती है, उसी ने पेपर में ड्राइंग डाल दी होगी। ये क्या, एक और ड्राइंग? अंजलि बेटा ये आदमी कौन है इस ड्राइंग में? अरे बेटा आपको कैसे पता चल रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है? और ये जगह कौन सी है, ये ईंट पत्थर ये सब क्या है? ये हाँ
सर प्लीज बच्चे पे ज्यादा दबाव मत डालिए, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। I'm sorry. सर एक बात तो तय है, आप पर होने वाले हमले की प्लानिंग अंजलि ने जरूर कहीं अपने आसपास सुनी होगी, स्कूल या फिर घर के आसपास। हमें इस बच्ची अंजलि इसके घर वालों से मिलना पड़ेगा। सर जिस आदमी की लाश हमें रवि के घर से मिली है वो आदमी कोई पुराना मुजरिम नहीं है सर। तो फिर है कौन ये जिसे मारकर रवि भाग गया? सर हो सकता है रवि के प्लान के बारे में इस आदमी को पता चल गया और इसलिए रवि ने उसे रास्ते से हटा दिया। हो सकता है। अच्छा उन दवाइयों के बारे में क्या पता चला जो रवि के घर से मिली थी? सर जो कंपनी दवाइयां बनाती है उन्होंने दवाइयों के बार कोड को देख के बताया कि ये दवाइयां किसी स्वास्थ्य सेवा संस्था को भेजी जाती है। स्वास्थ्य सेवा संस्था, ये कोई एनजीओ वगैरह है क्या? हाँ सर ये एक एनजीओ है जो बीमार और गरीब बच्चों की मदद करता है। जो बीमार और गरीब बच्चों को मदद करता है, तो वे सचिन जरूर रवि के बेटे को दवाई भी वहीं से मिलती होगी। हाँ सर। स्वास्थ्य सेवा संस्था, वहीं पे चलकर पूछताछ करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी अंजलि ने आपकी जान बचाने की कोशिश की है? जी हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ 8 साल की है और वो बोल भी नहीं सकती। आपकी बेटी ये ड्राइंग अच्छी बना लेती है। अंजलि बेटा जरा बाहर आना। बेटा ये देखो ये ड्राइंग आपने बनाई है। ये कह रही है कि आपकी जान को खतरा है, आपको सावधान रहने के लिए कह रही है। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, और क्योंकि अंजलि जानती है कि दया सर पर हमला होने वाला, ये हमारी मदद कर सकती है गुनहगार तक पहुंचने में। भला हमारी बेटी आपकी क्या मदद कर सकती सर? इस हेयरबैंड में हमने एक बग फिट किया है, ये देखिए। इस बग के जरिए अंजलि जहां भी होगी उसके आसपास होने वाली सारी चीजें हमें साफ साफ सुनाई देंगी। और क्योंकि दया सर पर जो हमला हुआ उसका प्लान भी अंजलि के आसपास ही बना था, इसलिए हमें मुजरिम को पकड़ने में आसानी होगी। नहीं नहीं, इस काम में बहुत खतरा है और मेरी बच्ची को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं घबराइए मत, अंजलि जहाँ भी होगी हम उसके आसपास रहेंगे, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। मगर मना मत करना पूजा, जिस तरह सीआईडी का फर्ज है हमारी रक्षा करना, उस तरह हमारा भी फर्ज है गुनाह को खत्म करने के लिए सीआईडी की मदद करना। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। मैं वादा करता हूं कि अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। जी कहिए। जी हम लोग सीआईडी से। ओह सीआईडी से, मेरा नाम साक्षी है, आइए बैठिए। जी नहीं थैंक यू वेरी मच। साक्षी जी हमें एक केस के सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। जी कहिए। जी ये दवाइयां आप ही की संस्था द्वारा एक बीमार बच्चे को दी गई हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं उस बच्चे का नाम क्या है? एक मिनट। हाँ गिरीश को। गिरीश, ये गिरीश कौन है? रवि जी का बेटा। क्या कहा आपने, किसका बेटा?
रवि जी। रवि जी का बेटा? अच्छा, क्या हुआ, क्या है रवि जी के बेटे को? गिरीश को अलग किस्म का ल्यूकेमिया है। उसके पिताजी उसे हर हफ्ते ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। छोटे से बच्चे को इतनी खतरनाक बीमारी? जी, ऐसे केसेस तो हमारी संस्था में आते ही रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि गिरीश जल्दी ठीक हो जाए। हम भी यही उम्मीद करते हैं। वैसे किस हॉस्पिटल में जाते हैं इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए गिरीश को लेकर? डेल्टा हॉस्पिटल, हर बुधवार को वहाँ ले जाते हैं। डेल्टा हॉस्पिटल हर बुधवार को? जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए ना। आप गरीब बच्चों को कुछ फंड्स देंगे तो? बिल्कुल देना चाहेंगे, क्यों नहीं। बस हमें आपके संस्था का नंबर दीजिए, अकाउंट नंबर और डिटेल्स। आप, ये हमारी संस्था का कार्ड है, इसमें सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच साक्षी मैडम। थैंक यू। सर कल बुधवार है, कल ये रवि हॉस्पिटल जरूर आएगा और अपने गुनाहों का हिसाब किताब भी देगा। एक बार कछुए और खरगोश में रेस हुई। खरगोश बहुत तेज भागा और आगे निकल गया। फिर उसे लगा कि वो आराम से जीत जाएगा, इसीलिए वो बीच में रुका और सो गया। पर खरगोश बिना रुके चलता रहा और सोते हुए खरगोश को पीछे छोड़कर रेस जीत गया। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। इस कहानी से क्या समझे, क्या सार मिला आप सबको? सर, एक बात बताऊं, मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। अच्छा, तुम स्कूल भी गए थे? अरे सर, स्कूल क्या, मैं तो कॉलेज तक गया हूं, उसके गेट तक। अर्शिया, तुम? सर, मैं तो रोज स्कूल जाती थी, टॉप करती थी हमेशा, टीचर्स की फेवरेट थी मैं। क्या बात है। सर, आप? मैं एवरेज स्टूडेंट था, ठीक ठाक ही था, 70-75% तो मिल ही जाते थे। हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। अरे सर, ये तो कुछ भी नहीं, स्पोर्ट्स में तो मैं अच्छा था। जब भी टग ऑफ वॉर होता था ना, मैं एंकर बनता था, नंबर वन एंकर था अपने स्कूल का। और जब भागता था सर, क्या भागता था सर, कोई पकड़ ही नहीं पाता था। क्रिकेट टीम में तो मैं रहना जरूरी था सर, मुझे तो रहना जरूरी था क्रिकेट टीम में। और फुटबॉल सर, जो फुटबॉल था मेरा, स्कूल की छुट्टी हो गई। सर, स्कूल की तो छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अब तक हमने कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं सुनी। लगता है अंजलि ने वो रवि वाला प्लान यहाँ पर नहीं, कहीं और सुना होगा। सर, ये तो बहुत टेंशन में लग रही है, रो रही है। चलो चल के देखते हैं। कहीं नहीं है अंजलि, होगी मेरी बच्ची। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? चलो देखो अंजलि। पूजा जी, आप रो क्यों रही है? उन्हें तो क्या करूं सर, अंजलि कहीं नहीं है, सब बच्चे घर चले गए। आपने सब जगह देख लिया? हाँ, मैंने सब जगह देख लिया। सभी पंकज सर, देखो पक्की लोकेशन क्या है। सर, भाग तो क्लासरूम में। क्लासरूम? नहीं नहीं, मेरे क्लासरूम में देखा है, अंजलि वहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ है क्लासरूम? वहाँ पे। चलो।
हेयरबैंड। ओह नो सर, इसका मतलब रवि को पता था कि हेयरबैंड में बग है। रवि को कैसे पता चला? मुझे क्या पता सर, जरूर इसमें कोई अंदर वाला मिला हुआ है। ए, तुम फिर मुझ पे शक कर रही हो? सर ये क्या बात है सर, प्लीज। मैंने कहा था मेरे बच्चे को इस सब में मत लाइए, और आपने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बच्ची अगर मुझे नहीं मिली ना, तो मैं अब किसी को माफ नहीं करूंगी। याद रखिए आप लोग। पूजा जी संभालिए अपने आप को, अंजलि को कुछ नहीं होगा, कुछ होने नहीं देंगे उसे। श्रेया देखो इस पे कोई उंगलियों का निशान मिलता है क्या, चलिए। सर जब रवि अंजलि को लेके गया तुम्हें पता कैसे नहीं चला? हाँ मतलब रवि के साथ स्कूल का कोई आदमी मिला हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? अंजलि का गायब होने से हमारे स्कूल वालों का हाथ कैसे हो सकता है? हम अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। वो तो दिख ही रहा है कि कितना ख्याल रखते हैं आप लोग। एक 8 साल की बच्ची क्लासरूम के अंदर से गायब हो जाती है और आप में से किसी को कुछ भी नहीं मालूम। कैसे काम करते हो तुम? अंजलि स्कूल के गेट से ही बाहर गई होगी ना, और तुमने उसे देखा नहीं जाते हुए? मैडम मैं तो गेट पर ही था, अंजलि बाहर गई नहीं। अंजलि बाहर नहीं गई, अंजलि स्कूल में नहीं है, तो अंजलि है कहाँ? मेरी बेटी अगर नहीं मिली ना, तो मैं स्कूल पे केस कर दूंगी। नहीं मैडम प्लीज शांत हो जाइए, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, किसी अनजान आदमी को आप स्कूल के अंदर आने तो नहीं देते होंगे ना? नहीं सर। तो फिर जरा सोच के बताइए, पिछले कुछ दिनों में आपने किसी नए स्टाफ को काम पे रखा था यहाँ पे? हाँ आपने नया बस ड्राइवर रखा ना, जिसने कल से ही ज्वाइन किया था। हाँ, क्या नाम है उसका? केतन ना? केतन क्या यही केतन है? हाँ यही है वो। क्या हुआ इसे? केतन भूषण, न जाने कितने नाम बदलेगा ये रवि सर। सर कहीं स्कूल बस में तो लेके नहीं चला गया अंजलि को? स्कूल बस? हो सकता है। अच्छा आपने अचानक इस केतन को काम पे क्यों रखा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारा पुराना ड्राइवर बीमार हो गया था और वो काम पर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्त केतन को भेज दिया। क्या वो पिछला ड्राइवर ऐसा दिखता था? हाँ यही है वो। सर ये रवि तो बहुत शातिर निकला, अंजलि को हमारी आंखों के सामने से लेकर चला गया। चाहे जितना शातिर हो ये रवि हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। पूजा जी प्लीज हौसला रखिए, आपकी बेटी अंजलि को कुछ नहीं होने देंगे, उसे ढूंढ निकालेंगे, जान की बाजी लगा देंगे हम। सर आखिर इस रवि की क्या दुश्मनी हो सकती है दया सर से? मैं भी दिन रात सोते जागते याद करने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस आदमी से पहले कभी मिला भी हूँ। हो सकता है असली खिलाड़ी कोई और वो रवि का इस्तेमाल मोहरे की तरह कर रहा हो, कुछ सामने नहीं आना चाहता हूँ। सर हो सकता है ये रवि ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हो। नहीं श्रेया मुझे नहीं लगता ये पैसों के लिए कर रहा है, अगर ये बात होती तो लाखों रुपए लेता ऐसे खतरनाक काम के लिए, और फिर अपने बेटे के इलाज के लिए किसी एनजीओ का मोहताज नहीं बनता वो। नहीं हेलो कौन? रवि स्पीकर फोन ऑन करो। भले हो सभी सीआईडी वालों को रवि का प्यार भरा नमस्कार। अगर नमस्ते करने का इतना ही शौक है तो सामने आके कर। सीआईडी ब्यूरो भी चले आएंगे एसीबी साहब, पर फिलहाल मेरा मूड आपके एक सीआईडी ऑफिसर से मिलने का है। मैं किस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ बोल, दया बोल रहा हूँ, क्या चाहते हो? दया दया दया, यही आवाज सुनने के लिए तो कब से बेताब था मैं। अगर अंजलि को जिंदा देखना चाहते हो ना तो दया आजा मुझसे मिलने, बिल्कुल अकेले। अगर अंजलि को कुछ हुआ ना तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। मुझे बाकी मुजरिमों की तरह समझने की गलती मत करना दया, मैं वो यमदूत हूँ जो तुझे मौत के दरवाजे तक लेके जाऊंगा। मर गए दया को यमराज के दरवाजे तक ले जाने वाले, समझा? अभिजीत हाँ, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो अभिजीत, कहीं ऐसा ना हो कि दया के शोक सभा में तुम्हारी आंखों में आंसू ही ना बचे। तो चिंता मत कर, अगर तूने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया
तो तेरी शोक सभा जरूर होगी। खिसिया ही बिल्ली खंपा नोचे। तुझे दया चाहिए ना, जगह और टाइम बता, मैं तुझसे मिलने आऊंगा अकेले। ये हुई ना बात, तुझसे इसी जाबाजी की उम्मीद थी मुझे। कब और कहां आना है ये जानकारी तुझे बहुत जल्द मिल जाएगी। बस इतना याद रखना कि तेरे साथ अगर कोई और आया ना, तो तुझसे पहले उस बच्ची की शोक सभा मनानी पड़ेगी तुम लोगों को। सुजीत, जल्दी से जाके पता लगाओ कहां से फोन आया था, अभी जाकर उठा लेते सबको। सर, हम अंजलि की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इस रवि को दया से मिलना है ना? ठीक है, दया जाएगा इससे मिलने अकेले। नहीं, अंजलि की जान खतरे में है तो तुम्हारी जान भी तो खतरे में है। तुम अकेले नहीं जाओगे, हम लोग साथ में जाएंगे। अरे अभिजीत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा अकेले, तुम खम का टेंशन मत लो। अरे यार, समझने की कोशिश करो, वो लोग खतरनाक लोग हैं, हम लोग चलेंगे तुम्हारे साथ। सर प्लीज समझाइए अभिजीत को, बिना बात के टेंशन ले रहा है। और वैसे भी ये मच्छर तुम्हारे दोस्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभिजीत, दया को जाने दो, उस बच्चे ने दया की जान बचाई है, अब उसकी जान को खतरा है, हमें किसी भी हालत में उसे बचाना ही होगा। बच्चे को कुछ नहीं होगा सर, ना बच्चे को और ना दया को, हम साथ में चल के बचा लेंगे। अभिजीत, ये मेरी लड़ाई है और मैं खुद लड़ूंगा इसे। तुम्हारी लड़ाई? ये तुम्हारी लड़ाई क्या है? ये मेरा तुम्हारा कहां से बीच में आ गया? अभिजीत समझा करो यार। दया, सर आप जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले पृथ्वीराज नगर के ईट पट्टी में आओ, किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं। तो रवि मुझसे यहां मिलना चाहता है, ठीक है, तेरा अंतिम संस्कार भी इसी ईट पट्टी में होगा। जरूर आएगा विनीत, जरूर आएगा। बाप है वो बच्चे का, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए वो जरूर आएगा। सर कहीं इस रवि को पता तो नहीं चल गया कि हम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा उसे, ये बात तो सिर्फ हम दोनों को ही पता है ना। ये आपका पेन, कहाँ है वो? सर ये रवि की वाइफ, उनका बेटा गिरीश। ओ, आप रवि की वाइफ है और ये आपका बेटा गिरीश। रवि कहाँ है? मगर आप लोग कौन हैं और रवि से आपको क्या काम है? हम रवि के दोस्त हैं। लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। वो क्या है ना कि रवि ने हमसे घर आने जाने के लिए मना किया था। आपको तो पता ही है, सीआईडी और पुलिस दोनों रवि के पीछे लगे हुए हैं। क्या है, उससे बहुत जरूरी काम था। ओह, अब कोई संदेश है तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं रवि को बता दूंगी। बात यह है ना कि ये कोई खास बात है सीआईडी के बारे में, इसलिए ये बात हम रवि को खुद बताना चाहते हैं। अगर आप बताओगे कि रवि कहाँ है इस वक्त तो अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा। <नहीं। laughs>
राजा है, राजा की चाल चलेंगे। क्या बात है, तो मेरा भी जलवा ये लो। तू भी जलवे दिखा। हुकुम का गुल्ला, अब उनके पास हुकुम की रानी है बॉस। बस रानी, मेरे पास हुकुम का इक्का है। तो बाजी मारेगा बॉस? बाजी मार ली भाई। और जानते हो हमारे पास कौन सा पत्ता है? ए शाने लोग, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था, हमने सोचा हम भी तुम्हारे साथ थोड़े पत्ते खेल लें। देखना नहीं चाहोगे इक्के से बड़ा कौन सा पत्ता होता है? सीआईडी, और किसी को प्रणाम कहना है ऊपर जाके? कहां चले रवि बाबू, तुम्हारे लिए तो ये सारी दौड़ धूप की है। मैंने दया पर हमला किया था, मेरी उनसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। आपसी दुश्मनी नहीं थी तो फिर दया सर पे हमला क्यों किया? किसी के कहने पर, सिर्फ पैसों के लिए किया था। झूठ पकड़ा गया तो आप कहानी बना रहे हो? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बच्चे के इलाज के लिए किया था साहब। बकवास बंद करो, तुम्हारे बच्चे के इलाज का खर्चा वो एनजीओ उठा रही थी, फिर तुम्हें उसके लिए जुर्म के राह पर चलने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो सिर्फ आधा पैसा दे रहे हैं, बाकी के पैसों का इंतजाम तो मुझे ही करना था, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। किसने दिया था तुम्हें ये बाकी का पैसा दया सर पर हमला करने के लिए? वो मैं नहीं जानता साहब, मेरे पास सिर्फ एक फोन आया था, काम होने से पहले सारा पैसा एडवांस में मेरे घर के बाहर छोड़ दिया गया था। फोन पे नंबर नहीं था सर, प्राइवेट नंबर होगा बस सर। सर, ये ब्यूरो में जो फोन आया था वो भी तो प्राइवेट नंबर से आया था ना? दया सर पर जो अगला हमला होने वाला है वो जरूर उस जगह पर होने वाला है जिसका स्केच हमें अंजलि ने बना के दिया था। लेकिन हमें उस जगह का पता कैसे चलेगा? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही आदमी के पास है। सलाम सलाम, बैठो बैठो। और डेचू भाई, कैरम के दो दो हाथ हो जाएं। नहीं नहीं, वैसे भी मैं अगर बैठ गया ना तो तुम सबके गिल्ले उड़ जाएंगे गिल्ले। आज मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ यार। सीरियस मूड क्या हुआ डेचू भाई? जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अब मैं भी सीआईडी टीम का एक अहम हिस्सा हूँ, और उस सीआईडी टीम का मेरे जैसा ही एक खतरनाक खिलाड़ी इंस्पेक्टर दया वो खतरे में है। वही दरवाजों का दुश्मन दया? हाँ वही दया, वही दया जिसके एक थप्पड़ से अच्छे अच्छे मुजरिमों के दांतों में पियानो बजने लगते हैं। और अब वो अंजलि नाम की एक बच्ची को बचाने के लिए अकेला मौत के मुंह में चला गया है। अब उसे बचाना मेरी यानी ढेंचू की जिम्मेदारी है। पर दया जी गए कहाँ हैं? यहाँ
यहाँ ये देखो, यहाँ यहाँ पर तो बहुत सारी ईंटें हैं। अरे ये तो मैं भी देख सकता हूँ। अगले आधे घंटे में तुम लोगों को पता करके बताना है कि ईंटों वाली जगह है कहाँ, जहाँ मेरा दोस्त दया अकेला जान की होली खेलने चला गया है। दया सर आपके दोस्त हैं? दोस्त क्या भाई? अरे भाई क्या, भाई से बटकर है वो मेरा। अब तो लोग अभिजीत और दया के जगह हेचू और दया के दोस्ती के मिसाल देते हैं। अरे वाह हेचू भाई, क्या बात है। बस अब और मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब काम पे लग जाओ, अभी से काम पे लग जाओ और जल्द से जल्द पता करो कि ये ईंट की भट्टी आखिर है कहाँ है ये।